वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेंको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 3 जुलाई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन है 8%, 8.5%, 9% या 5.5%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 8%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को घटाकर 8% कर दिया है। जो फिच रेटिंग्स का वित्तीय वर्ष 2021-22 का भारत की वृद्धि अनुमान है, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को जो घटा दिया है वो 8% कर दिया है। घटाकर एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, और हालांकि इसने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया। जो इसका पिछला बदलाव था उसमें अभी तक कोई अनुमान का बदलाव नहीं किया गया है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.2% रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। ऑप्शन है 60 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर या 70 मिलियन डॉलर या 90 मिलियन डॉलर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 40 मिलियन डॉलर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है, और विश्व बैंक ने हाल ही में जो गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम है उसके लिए 40 करोड़ डॉलर, करीब 3,000 करोड़ रुपए का जो सहायता की मंजूरी भी दी है। और इससे क्या होगा कि गंगा नदी के जो प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इंद्रामणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी या मनोज पांडे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, इंद्रामणि पांडे। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, इंद्रामणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं, और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। जो इस समय जो वर्किंग है वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, और अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रामणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों पर कार्यरत रह चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ऑप्शन है 10 महीने, 14 महीने, 3 महीने या 6 महीने। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, नागालैंड को जो अशांत क्षेत्र जो घोषित किया गया है वो 6 महीने के लिए घोषित किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आतंकी विद्रोह और आतंकी गतिविधियां, जो नागालैंड में जो आंतरिक विद्रोह होते रहते हैं और आतंकी गतिविधियां चलते राज्य को पहले भी कई बार जो अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अफसपा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के दौरान सेना के जो जवान हैं उस व्यक्ति के घर में घुसकर भी संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। जिस भी पर्सन को इट मीन गिरफ्तार किया जाता है तो जवानों को इस चीज़ के राइट्स है कि उसके घर में जाकर, अगर उस पर संदेह है तो उसके घर में जाकर उस आधार पर तलाशी भी ली जा सकती है। इसी के साथ एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे नागालैंड, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इस प्रकार से यहाँ पर भारत के मैप में स्थित है। और नागालैंड जो है फॉर्म जो किया गया था जो 1 दिसंबर 1963 में किया गया था, चीफ मिनिस्टर यहाँ के नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर यहाँ के आरएन रवि हैं, कैपिटल जो है इसकी कोहिमा है। जैसे कि देख पाएंगे कोहिमा यहाँ पर स्थित है।
और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है दीमापुर। जैसे कि देख पाएंगे दीमापुर यहाँ पर स्थित है। और जो अपना ये बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल में ये अपना जो बॉर्डर शेयर करता है वो म्यांमार से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है। ऑप्शन है लियोनस मेसी, सर्जियो रोमेरो, फ्रेंको अरमानी या मार्कोस रोजो। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, लियोनल मेसी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने हाल ही में एक एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700 गोल पूरा किया, लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके और स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में बार्सिलोना एक एटलेटिको और मैड्रिड का मैच 2-2 में से ड्रॉ रहा और मैसी ने 862वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने जो अपने क्लब के लिए जो 724वां जो मैच खेला था उसमें 630 गोल भी किए हैं और उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक जो है 70 गोल दागे हैं। जो अब तक वो अपने देश अर्जेंटीना के लिए 70 गोल दाग चुके हैं और 700वां गोल अपने पहले खिलाड़ियों में से 7वें नंबर पर हैं। जो 700 गोल में से जो है वाले खिलाड़ियों में से जो मेसी हैं वो 7वें नंबर पर हैं और अब तक सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकॉन ने किए हैं, जो फर्स्ट नंबर पे हैं। और जो कि सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकॉन, जिन्होंने 805 गोल दागे थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा या सुनील गावस्कर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, इमरान ख्वाजा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल के 2 साल के 2 कार्यकाल को पूरे करने के बाद अपना जो है त्यागपत्र दे दिया है और जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। इट मीन्स अभी तक किसी भी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है और जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक जो है इमरान ख्वाजा उनका पद संभालेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2005 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था और शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया स्वीकृति देने की उम्मीद भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फॉर्म नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, कर्नाटक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इट मीन्स जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको एक मंच पर नियुक्त करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। और इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा, नौकरियों की जो है जानकारी भी प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक अंतर को कम करने का काम भी करेगा और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल, ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल पर पंजीकरण भी कर सकता है। वह अपने जो भी कोई भी व्यक्ति इस पर अपना पंजीकरण, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, अपनी योग्यता, कौशल का जो ब्यौरा है, कौशल ब्यौरा है और अन्य कोई भी जो जानकारी है उनकी, उनको अपलोड करके कौशल कनेक्ट फॉर्म पे अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे ये जो है कर्नाटक जो फॉर्म किया गया था, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में की गई थी।
और जो इसके गवर्नर हैं वो वजूभाई वाला हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ के बीएस येदुरप्पा हैं, और जो इसकी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो है बेंगलुरु, जैसे कि आप यहाँ पे बेंगलुरु को देख पाएंगे, कर्नाटक देख पाएंगे मैप में यहाँ पर स्थित है, और जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है वो तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देख पाएंगे ये गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, विश्व बैंक। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज में मंजूरी दी है। जो विश्व बैंक है उसने भारत में जो शिक्षा है उसके सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए के जो कर्ज देने की मंजूरी दी है, और इस पैसे से स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है स्कूल शिक्षा की, उसे बढ़ाया जाएगा, स्कूलों के जो संचालन में सुधार लाया जाएगा, जो स्कूलों के चलाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों का फायदा पहुंचेगा। और इससे क्या होगा, इन पैसों से जो है 15 लाख स्कूलों के जो 17 साल तक, जो 6 से 17 साल तक की आयु के बच्चे हैं और 25 करोड़ स्टूडेंट, इट मीन्स जो 25 करोड़ स्टूडेंट हैं साथ ही उनके 1 करोड़ से अधिक जो शिक्षक हैं उनको इससे, इन पैसों से जो है फायदा प्राप्त किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई या 8 अप्रैल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 जुलाई। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल्स हैं, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, और यह दिन जो है दुनिया भर में डाक जो कर्मी हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो भी सेवा हैं उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और भारत में कोविड-19 की जो महामारी के दौरान भी डाक सेवाओं में विशेष विविधता आई है, और अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं। इट मीन्स जो डाक कार्यकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो वो भी एक कोरोना योद्धा बन चुके हैं, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इट मीन्स वो अभी भी सब कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उस दौरान भी वह अपनी जो भूमिका को निभा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी वर्किंग है, इसीलिए वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवाई जो है केवल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकते हैं। इट मीन्स जो कोरोनिल दवाई है उसे कोविड-19 की दवा ना बता के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो है वाली बता जो दवा बताकर बेचा जा सकता है। और पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। इट मीन जो कोरोनिल अब दवाई बनेगी उसकी जो पूरी प्रक्रिया है अब उसको कोविड मैनेजमेंट का नाम भी दे दिया गया है। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्या कोरोनिल टैबलेट, दिव्या श्रसारी और दिव्या अणु तेल। इट मीन्स अब इसकी 3 दवाइयाँ बनी हैं, एक बनी है कोरोनिल टैबलेट, दिव्य श्रसारी एंड दिव्य अणु तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इट मीन्स अब इन 3 दवाइयों को पूरे देश में बेच सकते हैं, और इसके तहत जो है पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस भी मिला है। इसी के साथ एक बार देख पाएंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो फाउंड किया गया था वो 9 नवंबर 2014 में किया गया था। जो इसके ऑफिसर होल्डर हैं, जो ऑफिस होल्डर हैं इसके शिरपर नायक जी हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? ऑप्शन है श्रीकांत माधव वैद, राहुल प्रसाद, अनिल सचदेवा या अनमोल सिन्हा। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।